नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। और सुबह के 5 बज चुके हैं और चल रहे हैं अपने चूल्हे के लिए पाइप उताई करते हैं। और सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कल यही भी हमने लीपा था तो बस चूल्हा ही लिपाई करेंगे, बाकी बाद में और करेंगे। बाकी हमारा जो कल का लीपा हुआ था एकदम साफ है, मिट्टी है। चूल्हे की देखिए लिपाई कर ले रहा है। चूल्हे की लिपाई पुताई करने में देखे चलते हैं, भैंस को कुंवर पानी कर देते हैं। इस खेत में लहसुन बोया गया था तो लहसुन उखाने के बाद खेत को भर दिया गया है और इसी गुड़ाई करके अब धनिया छींटेंगे गर्मी वाला। चलते हैं, सुबह खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शकरकंदी लिया है, बच्चों खाने के लिए उबालेंगे। और आज बनाएंगे हम छोले, मटर के और चावल बनाएंगे। तो दोनों चूल्हे में आग जला देते हैं, जल्दी हो जाएगा। ऐसे चूल्हे में देखिए इंधन जला दिया, रख देते हैं भगोना। और देखिए शकरकंदी हमने धुल लिया है, इसको रख देंगे उबलने के लिए, क्योंकि शकरकंदी इसमें मार्केट में मिल रहा है और बच्चे खाते हैं, बहुत पसंद लगता है उबाल कर। और एक तरफ उबालेंगे हम देखिए मटर के छोले। पानी भी हमने रात भर भिगो दिया था, जैसे फूल गया इसको निकाल लेते हैं पानी में से। काफ़ी ये स्वादिष्ट बनता है, चावल बच्चे बहुत पसंद करते हैं। प्रेशर कुकर रख देते हैं छोला उबालने के लिए। तो मटर के छोले को देखिए हमने साफ पानी से कई बार धुल लिया, जो ख़राब दाने थे उसको छाट के हटा लिया है। और देखिए हमारा शकरकंदी भी उबलने लगा धीरे धीरे। और प्रेशर कुकर जो चढ़ा दिया, पानी भी गर्म हो रहा है। जो मटर के दाने हैं इसको अच्छे से साफ करके अभी प्रेशर कुकर में डालेंगे। ये जो मटर था हमने साफ पानी से धुल लिया, इसको डाल देते प्रेशर कुकर में। कुकर में हमने मटर को डाल दिया, इसमें पानी भी डाल दिया है, इसको चला दे रहे हैं। इसमें डालेंगे हम नमक। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच नमक लिया, इसको डाल दे रहे हैं। नमक डालने के बाद इसको चला दे रहे हैं। अब चला दे ढक्कन लाकर इसको हम 4 से 5 सीट लाकर उबाल लेंगे मटर के दाने को। मटर के छोले के साथ चावल भी बनाएंगे, तो चावल खाने में बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। तो चावल के ऊपर छोड़ ले रहे हैं। जब तक हमारा शकरकंदी और छोले उबलते चलते खेत में धनिया ले लेते हैं ताज़े पत्ते। देखिए लाइन से जो कि क्यारी में धनिया बोया गया है और काफ़ी इसके अच्छे पत्ते हैं गर्मियों के मौसम में भी। देखिए धनिया के ताज़े पत्ते ले लेते हैं। शकरकंद जो कि उबल गया है उसको उतार लेते हैं। देखिए बढ़िया सा हो गया है। अब रखेंगे भगोना चावल बनाने के लिए। इसमें हम चावल बनाएंगे और जो हमारे छोले थे वो भी उबल चुके हैं, 4 से 5 भी लग चुका है। इसको उतार लेते हैं कुकर को। जो सूप से हमने चावल पछोड़ा था इसको हमने धो लिया है साफ पानी से। अब चलते हैं भगोने में डाल देते हैं चावल को। और पानी में जो कि हमारा गुनगुना हो गया है भगोने का। थाली हटाते हैं, देखिए हमारा धीरे चावल भी पक रहा है। इसको चलाकर हम ढक देंगे और पकता रहा चावल भी हो गया है। अब चलेंगे अब छोला बनाने की तैयारी करेंगे, तड़का लगाएंगे हाथ कूट के। तो चावल देखिए हमारा हो गया है और ये देखिए जो छोला हमने उबाला था, देखिए छोला भी बढ़िया से देखिए उबल गया है। इसको हमने चला दिया है और अब चलते हैं तड़का लगाते हैं इसमें। छोले में तड़के लगाने के लिए यहाँ पर देखिए हमने प्याज और हरी मिर्च और टमाटर देखिए टुकड़े में काट ले रहे हैं। ये सब हमारे खेत की प्याज और हरी मिर्च और टमाटर हैं।
अदरक भी हमारे खेत के हैं, लहसुन भी हैं, सबको कूट के भी पेस्ट बनाएंगे। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है छोले बनाने के लिए, इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है। यहाँ पे देखिए दालचीनी का टुकड़ा, सूखा लाल मिर्च और जीरा तेज पत्ता सबको साथ में डाल दे रहे हैं। अब इसको लाल कर लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। उसके बाद इसमें डालते हैं प्याज और हरी मिर्च कटा हुआ, इसको डाल देते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं साथ में। लाल करके अच्छे से भून लेते हैं सरसों को। तड़का हमारा देखिए लाल हो गया है। इसमें डालते हैं पका हुआ लाल टमाटर जो हमने काटा था, इसको डाल देते हैं। इसको चलाते हैं थोड़ा। इसमें डालेंगे सूखे मसाले। टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम नमक, और छोले में हमने उबालते समय भी नमक डाला था तो उसी के हिसाब से हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच नमक, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच और डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। सारे सूखे मसाले डालेंगे और इसे चला देते हैं, और आग को धीमा रखेंगे कि मसाले जो कि हमारे गले ना। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाले पकने के लिए और टमाटर गलने के लिए। थाली से ढककर हमने टमाटर को और मसाले को अच्छे तरीके से पका लिया है। थाली को हटाते हैं अब, और बीच बीच में काफ़ी बार हम चलाए भी हैं। देखिए मसाला भी अच्छे तरीके से पक गया है, टमाटर भी देखिए गल चुका है। इसको चलाते हुए हमारा छोला उबला है, इसको डाल लेते हैं इसमें। इसको चला लेते हैं। छोला भी हमारा पका और मसाले और टमाटर भी अच्छी तरीके से पके, तो ज़्यादा अब हमें यहाँ पे पकाने की जरूरत नहीं है। बस 2 से 3 मिनट और पकाएंगे उस उबाल आने तक। और यहाँ पे देखिए हमने लिया आधा चम्मच अमचूर पाउडर, ये हमारे घर का अमचूर पाउडर। आप चाहते हैं यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा खट्टापन आता है छोले में तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो अमचूर पाउडर डाल दिया हमने। इसमें डालते हैं आधा चम्मच छोले मसाला और आधा चम्मच डालेंगे किचन किंग मसाला। अब इसको अच्छे तरीके से देखिए मिला लेते हैं, इसमें मिक्स कर लेते हैं और उबाल आने तक 2-3 मिनट भी इसको और पका लेते हैं। तो छोले देखिए हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, और इसको चावल के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए धनिया के पत्ते को जो हमने खेत से लिया था, इसको बारीक काट के ऊपर से डाल देते हैं। कोई भी सब्ज़ी अगर बन जाती है तो ऊपर से धनिया के पत्तों को डाल दीजिए, तो देखने में और खाने में बहुत अच्छा लगता है। जो धनिया का सुगंध होता है ना, तो सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा आता है। देखिए बारीक काट के हम धनिया के पत्तों को डाल दिया है। आप चाहते हो कि यहाँ पर प्याज भी कच्चा काट के डाल सकते हैं, इसको चला सकते हैं। तो बहुत लोगों को प्याज नहीं पसंद आता है खाने में, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको चलाने के बाद अब थाली में हम निकालते हैं। ये देखिए हमारा चावल जो बना है, काफ़ी बढ़िया चावल बना है। इसको निकालते हैं थाली में। छोले साथ चावल बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे हमने देखिए प्याज हरी मिर्च और नींबू ले लिया इसके साथ खाने के लिए, और शकरकंद भी जो देखिए हमने उबाला है सुबह, इसको भी हम रख लेते हैं 2। बहुत बढ़िया ये अच्छा लगता है खाने में, बहुत मीठा लगता है। उसके बाद देखिए निकालते हैं छोले। तो इस तरीके से देखिए सुबह का हमारा देसी खाना बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा खाने में, और सभी को बहुत पसंद भी आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।